नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल यूपीएससी आईएएस एग्जाम में। आज मैं आपका दोस्त करदम रावल लेके आया हूँ आपके लिए द हिंदू एडिटोरियल के एनालिसिस और डिकोडिंग हिंदी के अंदर। आज की तारीख है 29 जून 2018 शुक्रवार और हम कहते हैं वी बिलीव इन डिलीविंग एक्सेलेंस। तो कैसे, नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दी गई है हमारी वेबसाइट की, जहां पर आपको हमारे वीडियो कोर्स के रिगार्डिंग सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो वीडियो कोर्स के साथ कैसे जुड़ना है सारी जानकारी और प्रमोशनल कोड की डिटेल उस लिंक के अंदर है, तो विजिट करना मत भूलिएगा हमारी वेबसाइट जो है www.upsciexams.com। तो यहाँ पर जो रोड मैप रहेगा वो जिस तरह से रहेगा, पहले देखेंगे फन फैक्ट और जो पिछले एडिटोरियल में पूछा गया क्वेश्चन था उसका आंसर देखेंगे, आंसर के बाद में एक नया सा फन फैक्ट देखेंगे और फन फैक्ट के बाद में और एक नया क्वेश्चन आएगा। उसके बाद हम दो आर्टिकल के ऊपर आज डिस्कस करने वाले हैं, द डिपनिंग डिस्कनेक्ट यानी कि जो यहाँ पर इंडिया और यूएस के जो रिलेशन है उसके अंदर जो भी मुटाव मन मुटाव हुए हैं वो क्या है और क्यों हो रहे हैं, एक वो, और दूसरा जो है सिंकिंग रूपी। तो यहाँ पर भी यूएस जो है हमारे साथ कनेक्ट होता है, तो यहाँ पर यूएसए बेस्ड आज दोनों आर्टिकल होने वाले हैं, लेकिन दोनों का जो नजरिया है वो अलग होगा। ये होगा इकोनॉमी के रिगार्डिंग और ये दूसरा होगा, ये होगा इंटरनेशनल रिलेशन के रिगार्डिंग, लेकिन दोनों पे कनेक्ट होता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो दोनों के एनालिसिस के बाद में अंत में आपको मिलेगी राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए वोकेबुलरीज। तो देखते हैं कि फन फैक्ट किस तरह से है। यहाँ पर जो है PMUY यानी कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, हमने पूछा था स्पेलिंग यहाँ पर मिस्टेक है, कब लॉन्च हुई थी, तो 14 अप्रैल 2016 को। तो ये याद रखने वाली बात थी। आज लेके आया है आपके लिए किफायत आवास योजना के बारे में कुछ डिटेल्स, द सेंट्रल गवर्नमेंट विल क्रिएट अ डेडिकेटेड अफोर्डेबल हाउसिंग फंड इन नेशनल हाउसिंग बैंक इन द बजट 2018-19 जेटली सेड दैट माय गवर्नमेंट विल सेट अप, जेटली जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है, माय गवर्नमेंट विल सेट अप अ डेडिकेटेड अफोर्डेबल हाउसिंग फंड इन द नेशनल हाउसिंग बैंक विच विल बी फंडेड फ्रॉम द लोन गिवन टू द प्रायोरिटी सेक्टर। द गवर्नमेंट हैज प्लान दैट बाय द एंड ऑफ 2022 एवरीवन विल हैव देयर ओन हाउस। फॉर दिस मोर देन 1 करोड़ हाउस होल्ड हैव बीन कंस्ट्रक्टेड इन द रूरल एरिया इन द करंट एंड द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर ड्यूरिंग द प्रधानमंत्री आवास योजना। तो यहाँ पर किफायत आवास योजना है, ये काम करेगी अंतर्गत ऑफ प्रधानमंत्री आवास योजना। नेम द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल रॉकेट कैरिंग कार इनटू द स्पेस, ये है आज का क्वेश्चन कि वो कौन सा सबसे पावरफुल वर्ल्ड का रॉकेट है जो स्पेस के अंदर कार लेके गया था। तो ये थोड़ी सी पुरानी न्यूज है लेकिन इसी साल की है। करंट अफेयर्स अगर आप डेली हमारे साथ बने रहते हैं शाम को तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको इजीली याद होने चाहिए। अगर आप करंट अफेयर्स हमारे चैनल के ऊपर नहीं आके देखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जो घंटी वाला है उसको दबा दीजिए ताकि हर शाम को जब भी करंट अफेयर पोस्ट होंगे आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप जो है अपने नॉलेज को बूस्टअप कर पाओगे। तो यहाँ पर जो है सिंकिंग रूपी, तो यहाँ पे यूएस डॉलर के सामने जो रूपी की प्राइस है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है। यहाँ इसका मतलब ये है कि हमें डॉलर बाय करने के लिए बहुत 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 ज़्यादा जो है अपनी करेंसी जो है देनी पड़ रही है। तो यहाँ पर जो है पिछले 69 इंट्रा डे यानी कि जो वर्किंग डेज होते हैं मंडे टू सैटरडे, तो यहाँ पर इंट्रा डे के अंदर होते हैं मंडे टू फ्राइडे, और यहाँ पर जो नेशनल हॉलीडेज होते हैं वो इंक्लूड नहीं किए जाते, यानी कि डे होना चाहिए बिटवीन मंडे टू फ्राइडे यानी कि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे और फ्राइडे, 6 दिन हफ्ते के सैटरडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे और फ्राइडे, 5 दिन हफ्ते के, सैटरडे संडे इंक्लूड नहीं होगा, वर्किंग डेज इंक्लूड नहीं होंगे। तो ऐसे पिछले 69 इंट्रा डेज जो गए थे उसके अंदर जो थर्सडे यानी कि कल 28th ऑफ जून को सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो है रुपी की प्राइस देखने को मिली है एज कम्पेयर टू डॉलर, यानी कि हमारी जो वैल्यू है रुपी की वो कम हुई है। तो अब तक ये ऑल टाइम लो है और यहाँ पर जो है 1 जनवरी से अगर आप देखें तो 8% जो है रुपी की प्राइस बढ़ी है डॉलर के सामने, यानी कि हमें डॉलर 8% और महंगा पड़ने लगा है। तो करंटली अगर देखा जाए इंडिया की जो करेंसी है इंडियन नेशनल रुपीज जिसके नाम से भी ये जानी जाती है INR के नाम से, तो यहाँ पर जो इंडिया के अंदर इंडिया की करेंसी जो है एशिया के अंदर सबसे खराब परफॉर्म कर रही है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया की करेंसी ही यहाँ पर जो है खराब परफॉर्म कर रही है, बल्कि जो सेगमेंट है जहाँ पर फॉरेन एक्सचेंज कन्वर्ट किए जाते हैं तो उस मार्केट को कहते हैं MSCI इमर्जिंग मार्केट करेंसी इंडेक्स जो है
वहां पर भी जो है इंडिया के अलावा काफी सारे एशियन कंट्रीज जो है उनकी कंडीशन काफी खास्ता है कि भाई यहाँ पर 6% जो है इन द बिगिनिंग ऑफ अप्रैल यहाँ पर ऑलमोस्ट सबकी जो करेंसी है वहां पर जो है डिटोरिएशन देखने को मिला है और डॉलर के सामने उन लोग के करेंसी के प्राइजेस बढ़े हैं। तो यहाँ पर करेंसी के प्राइजेस बढ़ते क्यों हैं? क्योंकि डॉलर जो है उनकी डिमांड बढ़ने लगती है और सबको पता है डिमांड और सप्लाई का इजी सा रूल है, जिस चीज़ की डिमांड बढ़ेगी उसकी प्राइस जो है इंक्रीज होगी, तो उसको लेने के लिए हमें जो है अपनी करेंसी ज़्यादा देनी पड़ती है। तो यहाँ पर जो है इंडिया की करंट अकाउंट जो डेफिसिट है वो 1.9% जंप हुई है अपनी जीडीपी के मुकाबले। तो जो फोर्थ क्वार्टर था 2017-18 का वहां पर, यानी कि लास्ट क्वार्टर जनवरी से मार्च का, तो यहाँ पर जो जीडीपी है वो 0.6 रहा करती थी, लेकिन ये अब बढ़कर हो गई है 1.9% करंट अकाउंट डेफिसिट जीडीपी के मुकाबले। तो यहाँ पर ये जो नंबर है वो 2.5 तक पहुंचने की संभावना है फाइनेंशियल ईयर 2019 आते आते। तो अभी चल रहे हैं जून के एंड के ऊपर, लेकिन आने वाले 8 या 9 महीनों के अंदर ये हो सकता है 2.5% करंट डेफिसिट एज कम्पेयर टू द जीडीपी। तो यहाँ पर जो डॉलर की बढ़ती डिमांड है ये इसके पीछे का मेन रहस्य है कि जो प्राइजेस है रुपी की वो डे बाय डे घटती चली जा रही है और जो डॉलर है हमारे लिए और भी महंगा होता चला जा रहा है। तो ग्लोबल सिनारियो अगर देखे, ग्लोबल करेंसी का सिनारियो देखे, तो यहाँ पर जो है 7.5% एवरेज जो है फरवरी से अब तक इंक्रीज हो चुका है, और जनवरी से देखे तो यहाँ पर लिखा है कि 8% जो रुपी की वैल्यू है वो डॉलर के मुकाबले मंदी हुई है। तो यहाँ पर जो है नंबर्स दैट मैटर्स करके ये जो पिक्चर है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भाई जो पैसे हैं यहाँ पर हमारे जा रहे हैं कहीं ना कहीं अलग अलग तरीकों से। तो कैसे भाई? एक तो आप सबको पता है कि भाई इंडिया के अंदर अभी हाल ही के अंदर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो है 0.25% और या फिर आप कह सकते हैं 25 पॉइंट्स जो है बैंक रेट्स के अंदर इजाफा किया है। तो ये क्यों किया था भाई? यूरोप जो है उन्होंने भी अपने बैंक के रेट्स के अंदर चेंजेस लाए थे, और उससे पहले लेके आया था हमारा प्यारा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने जो है डॉलर को मजबूत और मजबूत बनाने के लिए और वहां पर जो है इन्फ्लेशन ना आए और इन्फ्लेशन जैसी स्थिति को कंट्रोल में रखने के लिए उन्होंने बैंक रेट्स को बढ़ाया था। तो उसी को ध्यान में रखते हुए, आगे आने वाले सिनारियों को समझते हुए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी जो है अपने बैंक रेट्स के अंदर 0.25 या फिर आप उसे बोल सकते हो 25 पॉइंट्स को यहाँ पर बैंक रेट्स को बढ़ाया था। तो ये एक पॉइंट हो गया कि जिसके सामने जो है जो डॉलर्स जो है उनकी प्राइस बढ़ रही है। दूसरा पॉइंट ये है कि भाई जो इंडिया के अंदर जो एफपीओ है, यानी कि फॉरेन पोर्टफोलियो का जो आउटफ्लो हो रहा है, जिसे बोलेंगे फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स का इंडिया से बाहर जाना, तो ये भी एक बहुत ही ज़्यादा उम्दा रोल प्ले करता है डॉलर की प्राइस को इंक्रीज करने के लिए। क्योंकि इंडिया के अंदर से अब तक, यानी कि सिर्फ मई महीने के अंदर 29,714 करोड़ रुपये जो है डॉलर के अंदर यहाँ पे इंडिया से फ्लाईओवर हो चुके हैं। तो यहाँ पर जो है इससे पहले भी मई से महीने का पहले का महीना होता है अप्रैल महीना, तो अप्रैल महीने के अंदर भी 15,561 करोड़ रुपए जो है इंडिया से यहाँ पर आउटफ्लो हो गए हैं। तो इतना ज्यादा फंड जब इंडिया से ऑलमोस्ट तकरीबन 46,000 करोड़ रुपए जो है इंडिया से बाहर जो फॉरेन एक्सचेंज था हमारे पास, जो फॉरेन एक्सचेंज इन्वेस्टर्स लेके आए थे डॉलर्स जो इंडिया के अंदर लेके आए थे इन रुपयों का, वो डॉलर जो है फिर से इंडिया के बाहर फ्लो हो गया। और यहाँ पर हम यही बात कर रहे हैं कि इंडिया जो है इन्वेस्टमेंट कैपिटल माना जाता है एशिया का, तो दूसरी ओर जो है इन्वेस्ट करके करने के लिए आए थे वो लोग जो है अपना पैसा इंडिया के अंदर बना के फिर पलायन हो चुके हैं। तो यहाँ पर जो है यूएस का फेडरल रिजर्व है ये भी एक ट्रेडिशनल अप्रोच के साथ अड़ा हुआ है कि भाई चाहे कुछ भी हो, क्राइसिस की सिचुएशन के लिए हमें भी अपने आप को तैयार करना है और जो ग्लोबल क्रेडिट साइकिल है उसको भी हमें मेंटेन करना है, तो हमारे भी देश के अंदर पैसे की जरूरत है, तो हम भी आपके यहाँ पर इन्वेस्ट किया हुआ पैसा लेके जाएंगे। तो अल्टीमेटली यहाँ पर होता यह है कि भाई जो पैसे हैं इंडिया के अंदर से यहाँ पर चले जा रहे हैं और इवेंचुअली जो है इमर्जिंग मार्केट करेंसी है उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट पड़ रही है। और इंडिया के अंदर कोई भी आए, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आए या कुछ भी आए, लेकिन इंडिया के अंदर यहाँ पर जो है प्राइजेस रुपी के
बढ़ते रहे हैं और डॉलर के सामने वैल्यू जो है रुपी की घटती चली जा रही है। तो चाहे आप कुछ भी कर लो, कितना भी एफर्ट कर लो, लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को जो है अब एक नए तरीके से सोचना है और नए तरीके से एक आउट ऑफ द बॉक्स फॉर्मूला निकाल के लाने की जरूरत है। अगर ये नहीं होता है तो यहाँ पर जो है इंडिया की सिचुएशन जो है आगे आने वाले समय के अंदर 2019 और उसके बाद जो है बहुत ही ज्यादा मंदी होने वाली है इंडिया के अंदर। और दूसरी चीज है कि अगर इस चीज को हमें रिटालिएट करना है तो हमें जो है अपने एक्सपोर्ट्स बढ़ाने हैं, और हर हिंदुस्तानी को ये समझना है कि स्वदेशी चीजों को अपनाए। ठंडा पानी पीना है तो सिर्फ ठंडे पानी से चला लीजिए, कोल्ड ड्रिंक पिएंगे तो आप देखिए कि आप जो कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं वो स्वदेशी कंपनी का है या नहीं है। अगर आप कोका कोला वगैरह ब्रांड्स भी पीते हैं, भूख लगी है तो पिज्ज़ा डोमिनोज मैकडोनल्ड्स के अंदर जाते हैं, तो आपका पैसा जो है ऐसे छोटे छोटे जगहों से भी इंडिया के बाहर जा रहा है। आइसक्रीम खाना है तो अमूल का खाइए, हैवमोर का खाइए, वाड़ीलाल का खाइए, बल्कि बास्किन रॉबिन्स का मत खाइए, क्योंकि ये जो है हिंदुस्तान के पैसे को हिंदुस्तान से बाहर ले जा रहा है। ऑलरेडी यहाँ पर काफ़ी सारी तकलीफें हो रही है हिंदुस्तान की करेंसी को, तो आप जो है ऐसी छोटी छोटी एक्टिविटीज करके हिंदुस्तान की करेंसी के ऊपर और भी ज़्यादा स्ट्रेन ना बढ़ाए और एकदम से स्वदेशी होने की चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस करे। कपड़े भी ले रहे हैं तो इंडियन ब्रांड्स के लिए, लोकल ब्रांड्स के लिए, लेकिन जो है बाहर की कंपनी के कपड़े मत लीजिए, ताकि यहाँ से भी आपकी करेंसी जो है इंडिया की करेंसी वीक होती है और फॉरेन की करेंसी और भी स्ट्रॉन्गर होती है। तो यहाँ पर पिछले 10 साल से पहले भी टाइम पीरियड के अंदर कहा जाता था कि भाई अगर इंडिया जो है ना सिर्फ कोका कोला पीना ही बंद कर देगा ना, यानी कि कोका कोला ब्रांड की जितनी भी प्रोडक्ट्स यहाँ पर इंडिया के अंदर बिकती है खाने और पीने की, उन चीज़ों का ही सिर्फ कंजम्पशन बंद कर देगा, तो 10 से 15 रुपये डॉलर को यहाँ पर कम करना बहुत ही ईजी था। तो ये सिर्फ बातें किताबों में या जॉक में सिर्फ अच्छी नहीं लगती, बल्कि अगर रियालिटी के अंदर भी इनका कंजम्पशन इंडिया कम करता है तो यहाँ पर जो है इकोनॉमी हमारी बूस्ट होगी। क्या करती है ये सारी कंपनी, सिर्फ अपना नाम यहाँ पर लेके आती है, अपना फॉर्मूला लेके आती है और सारी चीजें जो है सारे रिसोर्सेस, इवन जो उसके अंदर काम करने वाले लोग भी होते हैं वो भी इंडियन ही होते हैं, हमारा एकदम से उपयोग करते हुए, यानी कि हमें यूज करते हुए ये लोग जो है पूरी की पूरी प्रोडक्ट तैयार करते हैं। सिर्फ उनके पास उनका नाम है और उनके फॉर्मूला है, उन फॉर्मूला और नाम को जो है वो लोग ऐसे यूज करते हैं कि हमारी गले तक, हमारे पेट तक वो लोग पहुंच जाते हैं और हमारी जो जेब है उसको हल्की करके अपने देश की जेब को भारी करते हैं। तो इंडिया की रुपी को बचाने के लिए हर हिंदुस्तानी का ये फर्ज बनता है कि भाई स्वदेशी चीज़ों को अपनाए और जहां से भी इंडिया की रुपी को इंडिया में रखने के जो भी स्टेप्स ले जा सके उस चीज़ के ऊपर ध्यान करे। तो यहाँ पर दूसरा जो आर्टिकल है आज द हिंदू एडिटोरियल के अंदर डिस्कस करने लायक, वो है द डिपनिंग डिस्कनेक्ट। तो यहाँ पर जो है इंडिया और यूएस के बीच में जो रिलेशन है उसके अंदर और भी ज्यादा गहराइयां बढ़ रही है। तो इस पिक के अंदर से आप अंदाजा लगा रहे हो कि पहले भाई जो है आप देखते थे कि नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के आपने ऐसे पिक देखे होंगे जो एक दूसरे को नजदीक से हाथ मिला रहे हो या फिर गले लगा रहे हो, लेकिन ये जो पिक है उसके अंदर दोनों जो है एक दूसरे से काफी डिस्टेंस के ऊपर खड़े है, ऐसी पिक यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। तो ये एक समझाने के लिए ऐसे पिक्चर हम आपके लिए लेके आए हैं कि भाई जो मनमुटाव है दोनों देशों के बीच के अंदर, यानी कि एक्सट्रेंजमेंट जो है यूएसई और इंडिया की, वो बढ़ती चली जा रही है। और स्पेसिफिकली अगर आप यूएस की बात करें तो साउथ एशिया के अंदर जो है यूएस का आजकल कुछ सिनारियो अच्छा नहीं चल रहा है। यूएस ने अभी जो है रिसेंटली मना कर दिया इंडिया के साथ 2+2 डायलॉग्स करने के लिए। यहाँ पर जो है मेन मुद्दा ये निकल के आता है कि भी जो फॉरेन अफेयर्स जो है और डिफेंस के मुद्दे है, इन मुद्दों के ऊपर यूएस जो है इंडिया के साथ ज़्यादा डिटेल के अंदर चर्चा करने की इच्छा नहीं रखता है। तो अभी जो लास्ट जून की अगर हम बात करें तो नरेंद्र मोदी जो है वॉशिंगटन गए थे और ये तभी की तस्वीर है, और आज जो है एक साल ऑलमोस्ट हो चुका है, जून कंप्लीट होने को आया है। तो वॉशिंगटन की विजिट के एक साल के बाद अगर आप देखें तो एक तरह से स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी आई है, बायलेटरल ट्रेड और जो इंडिया और यूएस के रिलेशन है वो इतने ज़्यादा एक साल के बाद भी इम्प्रूव नहीं हुए हैं।
नो डाउट, यहाँ पर कोई डाउट नहीं है कि भाई मेजर डिफेंस पार्टनरशिप जो है दोनों देशों के बीच में अच्छी रही है, लेकिन एग्रीमेंट्स जो होने चाहिए थे और जो डिफेंस प्रोक्योरमेंट्स और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स होने चाहिए थे ये नहीं हुए हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि ऐसी क्या खास चीजें हुई है जिससे कारण जो है अमेरिका एक तरह से हमसे खफा है और हमारे साथ 2+2 डायलॉग्स करने के लिए तैयार नहीं है। तो आप लोगों को मैं याद दिलाना चाहता हूँ, मई का महीना यानी कि पिछला महीना, जहां पर जो है इंडिया ने रशिया के साथ विजिट की थी और रशिया के साथ यानी कि नरेंद्र मोदी ने रशिया के प्रेसिडेंट के साथ यानी कि व्लादिमीर पुतिन के साथ जो है 2 दिन की इंफॉर्मल समिट की थी। तो उस इंफॉर्मल समिट के अंदर हमने काफी सारे मुद्दों के ऊपर डिस्कशन की थी। उनमें से एक मुद्दा ये था कि इंडिया जो है रशिया से आर्मामेंट्स और जो है वॉरक्राफ्ट वगैरह कुछ खरीदने वाला था, और यहाँ पर हमने बात की थी कि भाई आप जो है जो चीजें हमें बेचोगे आप वो पाकिस्तान को नहीं बेचोगे, और रशिया जो है वो हर एंगल से ईरान की भी मदद करता है। तो यहाँ पर जो है यूएस की आंख में इस चीज के कारण कचरा पड़ता है, और इवन रशिया ने भी हमसे पूछा था कि भाई आपने जो है यूएस का एक मॉडल लॉ साइन किया था कि उसके अंदर आपने बताया था कि हम जो है आपके साथ ट्रेड तो करेंगे, लेकिन आपने जो है यूएस का ये एक लॉ फॉलो किया था तो उसके मुताबिक आपको जो है हमसे सामान नहीं खरीद सकते। तो तब इंडिया ने कहा था कि हम उस लॉ को नहीं मानते और हम बखूबी आपसे सामान खरीदेंगे। तो इस चीज के ऊपर जो है मेन जो गुस्सा है अमेरिका का वो इंडिया के ऊपर इस चीज से है, और यहाँ पर जो है यूएस का इस तरह का गुस्सा जो है वो हमें तकलीफ देता है जब बात आती है यूएस की अफगानिस्तान और पाकिस्तान के साथ में जो पॉलिसी है उनके सामने। क्योंकि यूएस जो है पहले ये कहता था कि भाई पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म खत्म करना है तो इंडिया का हम सपोर्ट करते हैं और पाकिस्तान को एकदम से ब्लैकलिस्ट करने के लिए हम राजी है, और अफगानिस्तान में शांति बनाए रखने के लिए इंडिया को जो है अफगानिस्तान की पूर्ण जोश से मदद करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर 2+2 डायलॉग्स की भी मनाई कर रहे हैं और यहाँ पर जो है पाकिस्तान के सामने भी कोई ठोस कदम नहीं उठा रहे हैं। तो यहाँ पर जो है जो पाकिस्तान है वहां पर जो यूएस का जो इंटरवेंशन है वो एकदम से कम हो रहा है, यानी कि तारिके ताइबान पाकिस्तान की चीफ जो मुल्ला फजहुल्ला है उनका, इसके बाद जो है अफगान के तालिबानी लीडर जो है उनके साथ, उसके बाद जो है मिस्टर गिलानी जो है अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट जो है उनके साथ, तो यूएस का जो इंटरवेंशन है वो एकदम से नलिफाई तरीके से जीरो की ओर चल रहा है। और यहाँ पर यूएस जो है इन मुद्दों के ऊपर अब डिस्कस ही नहीं करना चाहता। और उसके ऊपर अगर आप बात करें तो जेईएम और एलटीई यानी कि लश्कर तैयबान और जहीद मुस्लिम जो है जिहाद मुस्लिम, उन दोनों के भी चीफ लीडर्स जो है वो भी अभी पाकिस्तान और वगैरह कंट्रीज के अंदर एकदम से खुलेआम घूम रहे हैं, लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान के विरुद्ध कोई भी स्टेप लेने के लिए या फिर अफगानिस्तान के लिए कोई भी तरह की सोच करने की सोच या योजना बनाने के लिए जो है यूएस अभी कुछ करने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि यहाँ पर मेन रीजन ये है कि भाई इंडिया ने जो है रशिया से सामान खरीदा, और इसके अलावा ये जो सारे मुद्दे हैं ये कोई नए नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है, कौन कौन से टेररिज्म ग्रुप्स के लीडर्स घूम रहे हैं अफगानिस्तान में, कौन कौन से घूम रहे हैं। तो अमेरिका जो है इन मुद्दों के ऊपर बात नहीं करना चाहता। तो यहाँ पर इवन इंडिया के ऊपर जो अमेरिका ने कल यानी कि थर्सडे को यानी कि 28 जून 2018 को इंडिया को बोल दिया कि भाई आप जो है ईरान से एक बूंद भी क्रूड ऑयल परचेज नहीं करोगे। तो यहाँ पर जो है चाबार पोर्ट का ऊपर हमारा जो प्रभुत्व था वो इस तरीके से था कि भाई चाबार पोर्ट से जो है हम ईरान से जो भी सामान खरीदेंगे वो चाबार पोर्ट के माध्यम से 2 तरीकों से इंडिया के अंदर आएगा, एक तो बाय रोड फ्रॉम अफगानिस्तान और दूसरा थ्रू सी अरेबियन सी के थ्रू। तो यहाँ पर जो है ईरान से हमारा जिस तरीके से इन्होंने कनेक्शन कटवा दिया है तो हमारा जो पॉइंट है चाबार पॉइंट के ऊपर जो हमारा एग्जिस्टेंस है वो एकदम से जीरो हो जाता है। और जो है अगर यहाँ पर अगर ईरान से हमें पेट्रोल लेना है तो अफगानिस्तान के साथ भी रिलेशंस हमें अच्छे बनाए रखने पड़ते थे। तो यहाँ पर जो है यूएस ने और दुगनी एक चाल खेली है कि भाई वो नहीं चाहता कि अफगानिस्तान में भी कुछ रिलेशंस इंडिया के भी इम्प्रूव हो या फिर अफगानिस्तान में भी शांति बरकरार रहे,
वो नहीं चाहता कि कुछ चीजें वहां पर सुधरे। तो यहाँ पर जो है हमारे साथ जो ईरान के रिलेशंस कट करवाए हैं, उसी तरह से इनडायरेक्ट तरीके से इंडिया और अफगानिस्तान के रिलेशन के ऊपर भी इसकी गहरी असर पड़ेगी। दूसरी बात, पाकिस्तान के साथ तो हमारे रिलेशन आज भी अच्छे नहीं हो रहे हैं, तो 2+2 डायलॉग्स के कैंसल होने पर और ईरान से हमारे क्रूड ऑयल के इंपोर्ट के ऊपर एकदम से सैंक्शन लगा देने के मुद्दे तक के सारे इश्यूज जो है वो कहीं ना कहीं ये हमें इशारा करते हैं कि इंडिया और जो यूएस है उसके बीच में जो है मनमुटाव की स्थिति का जो गैप है वो और भी ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। अगर आपको एक्सप्लेनेशन और कंटेंट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट के माध्यम से हमें बताइए। और ये है वोकैबुलरीज जिससे आप अपनी राइटिंग स्किल्स इनहेंस कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट सिर्फ मत लीजिएगा, सिर्फ वीडियो को पॉज करके नोट डाउन मत कीजिएगा, इसको डे टू डे लाइफ में यूज करना बेहद जरूरी है। और यूपीएससी अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो आपके लिए ये बहुत ही क्रूशियल वर्ड्स बन जाते हैं, क्योंकि मेंस जो है उसके अंदर यही सारी चीजें आपकी मदद करेगी। सिर्फ नॉलेज से कुछ नहीं होगा, आपको अपने नॉलेज को पेन के माध्यम से पेपर के अंदर उतारना बहुत ही जरूरी है। तो यहाँ पर दोस्तों चैनल पर अगर आप नए हैं तो बेल आइकन पर क्लिक करें, जो घंटी वाला है सब्सक्राइब करने के बाद वो घंटी को प्रेस करना बहुत ही जरूरी है, ताकि आने वाले वीडियोस यानी कि द इंडियन एक्सप्रेस एडिटोरियल और शाम को द करंट अफेयर्स के लिए आपको ये नोटिफिकेशन बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा। ये हम आपसे वादा करते हैं कि ये भी आपको तंग नहीं करेगा बल्कि आपके नॉलेज को इम्प्रूव जरूर करेगा। तो बने रहे हमारे साथ और बोलते रहे भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद।